चल रहे अवैध कब्जे पर नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 22 एकड़ जमीन को कब्जा मुक्त करवा लिया है। दरअसल बीते काफी समय से सेक्टर 52 की इस जमीन पर काफी लंबे समय से अवैध कब्जे की भरमार चल रही थी। नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर हरिओम अत्री की माने तो इस अवैध झुग्गी कॉलोनी में बड़े तौर पर अवैध वसूली भी की जा रही थी। कुछ टाइम पहले ही इन्हें नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटाने के बाद नगर निगम ने इस अवैध कब्जे पर कार्रवाई कर जमीन दोज कर दिया है। दरअसल इस अभी हाल ही में यह 22 एकड़ जमीन HCVP द्वारा नगर निगम को शिफ्ट की गई है, जिसमें कब्जे को लेकर काफी लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी और इस पर कार्रवाई करते हुए इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 22 एकड़ जमीन पर में से 15 एकड़ जमीन में इंटरनेशनल स्टेडियम और 7 एकड़ जमीन पर कल्चर्ड हॉल बनाए जाने की योजना है। निगम अधिकारियों की माने तो इस जमीन पर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ भी FIR दर्ज करवाने की तैयारी की जा रही है। वहीं बीते कई महीनों से नगर निगम और DTP विभाग की संयुक्त कार्रवाई में दर्जनों ऐसे स्ट्रेचर को जमीन दोज किया गया है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किए हुए थे। ये वजीराबाद का इलाका है, ये हमारी HSVP की लैंड थी, 293 एकड़ लैंड है लगभग। इसमें 15 एकड़ में इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण किया जाना है और 7 एकड़ में हमारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक महीना से लगातार हम यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर रहे थे और इन सभी को नोटिस भी पंपलेट के द्वारा चस्पा किए गए थे और इनको वो खाली करने के भी आदेश दिए गए थे। कितनी तकरीबन यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, कि लगभग क्या उनकी पहचान हो पाई है? लगभग 1500 से 2000 के करीब में ये झुग्गियाँ हैं और ये आप देख रहे हैं सामने ये कच्चे जो मकान बनाए हुए थे ये लगभग 200 के करीब हैं। तो क्या कुछ किराया वसूल किया जा रहा था यहाँ पे? हर झुग्गी वाले से किराया लिया जा रहा था 500 से रुपये लेके और 2000 तक। क्या इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे सर? बिल्कुल, पुलिस डिपार्टमेंट हमारे ACP साहब साथ हैं, वो इसकी जांच कर रहे हैं। जिस जिन लोगों द्वारा किराया लिया जा रहा था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट लैंड थी और गवर्नमेंट लैंड पे ये नजायज रूप से किराया लिया जा रहा था। फिर लॉकडाउन लग गया हमारे साथ तो हम फिलहाल यहीं रह रहे थे, तो हम तो कल 2-3 होली के त्यौहार से छुट्टी भी थी हमारी, तो उस वजह से हम काम पे भी चले गए सर। तो हमारे को इतना पता नहीं था झुग्गी तोड़ देगा। एक दिन आए थे भी सर तो वो बोले थे हमारे को भैया झुग्गी हटा देना, तो हमने देखा ऐसे बोल रहे होंगे, तो हम तो मजदूरी चले गए थे। कल हमारे सामान भी है, हम खाने पीने का भी राशन था, तो हम देखने के बाद इनको ऐसे नहीं पता चला, इतना सब झुग्गी हटा रहे थे तो हम भी हटाने लगे। तब सर ने जाके JCB लगा दिया, हमारा सारा तोड़ फोड़ कर दिया। हम गरीब आदमी लॉकडाउन की वजह से अब कहाँ जा भी नहीं सकते हैं सर, तो कहीं जाएँ? वैसे हमारे को अभी मार्केट भी बंद है, किधर जाएं तो जाएं, अभी गाड़ी भी लोग रहे थे हम करीबन यहाँ पे काफ़ी लोग थे हमारे साथ, हमारे भाई, हमारे परिवार, जैसे हमारे यार दोस्त सभी थे यहाँ पे, परिवार के साथ थे हम। हमारे जाओगे? हम सर अब कहाँ जाने की, कहाँ जाएं हम? हमारी सारी झुग्गी झोंपड़ी सब राशन पानी तो टूट चुका है, लॉकडाउन है, हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? गुरुग्राम से संजय खन्ना की रिपोर्ट।